वो सर वो हाथ पकड़ के लेके गई ना, वो उन्होंने बोली मेरे कोशिश सर उतारा। कौन? वो मेरे पास लगभग 10 दिन हो गए थे फोन करते हुए। अच्छा, उसको सर उन्होंने दबाव दिया ना, जब मेरे मारने लग रहे थे उन्होंने 15 लाख रुपये मांगी मेरे पे। HR न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो सिसर गांव में मैंने बनाई थी और बड़म्बे का मैटर था और मैटर था अनी ट्रैप का, और वो जो मैटर था अनी ट्रैप का वो किसने करा क्या था? यू है भाई कुलदीप, इसने कर रखा मुकदमा उनके खिलाफ। उनने जो बताया आपने सारी वीडियो में देख लिया, लेकिन उन बातों में कई सवाल थे जिनके जवाब अधूरे थे। उन सवालों के जवाब लेने खातर मैं फ़िलहाल में पहुंचा हूं अपने जो जिक्र चला था सड़क वाली बयानी, जिसने मेल वाली बयानी में बोला करें मैम के पास में छोटा सा कस्बा है। भाई बैठे हमारे पास, करेंगे इनसे बात उसी बारे में। राम राम भाई। राम राम भाई। के नाम है अपना? कुलदीप जी। भाई साहब जो एक अनी ट्रैप का मामला है, हाँ जी, वो आपका ही है? हाँ जी। तो भाई देखो, भाई कुलदीप है और जो अनी ट्रैप का जो मामला मैंने बताया था वो इन्हीं का है वो मामला। तो कुलदीप भाई मैं एक वीडियो बनाने गया था, और वीडियो के न्यूज़ बनाने गया था, और न्यूज़ थी सिसर गांव में शर्मिला और बड़म्बे गांव का सचिन, उनने बहुत सारे आरोप हैं जो आपके ऊपर लगा रखे हैं। अब वो मैंने नहीं पता क्यों लगा रखे हैं, उन्हीं के सवाल ला के जवाब खातर मैं आपके पास आया हूँ। तो सबसे पहले आप मैंने यूँ बताओ, जो सचिन की माँ है उसके साथ आपकी कोई पहले से बोलचाल थी? नहीं सर, कोई बोलचाल नहीं थी। अच्छा, आप उसके पास फ़ोन क्या करते? नहीं सर, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। अच्छा, उसका फ़ोन आया था आपके पास, लेकिन उनका तो कहना यूँ है कि वो हमने फ़ोन कर करके परेशान कराया करता। नहीं सर, मेरे पास कोई मतलब कोई भी मतलब नहीं था उससे, ना मैं उनको जानता था। उनका फ़ोन आया था मेरे पास, मैं मुंडाल गया हुआ था मोटरसाइकिल की सर्विस कराने के लिए। अच्छा, फिर उसका फ़ोन आया, मैंने उसको ये कह के टाल दिया, मैं देखो मैं आपको नहीं जानता और मेरे पास फ़ोन मत किया करो। उस समय तो मैंने काट दिया। फिर घर आया शाम को, फिर व्हाट्सअप कॉल या मतलब और भी मतलब वीडियो कॉल ये आने लगी। अच्छा, जो वो फ़ोन वो वीडियो कॉल जो कराया करते, हाँ जी, वह मतलब सचिन कराया करता या उसकी नहीं नहीं मम्मी कराया? पूनम थी क्योंकि मम्मी वो किया करती मेरे पास। या पूनम सचिन की माँ का नाम है? हाँ जी। अच्छा, लेकिन सचिन यूँ बता, सॉरी भाई कुलदीप यूँ बता कि उसकी माँ जो तेरे फ़ोन कराया करती थी, नंबर कितना है उसका तेरा? वो पता नहीं सर, किसी ने मेरा नंबर दिया हुआ था उसको, मतलब मेरे पास से तो गया नहीं ना, मैं किसी के पास फ़ोन किया करता। अच्छा, कितने दिन से फ़ोन करने लग रही थी वो? वो मेरे पास लगभग 10 दिन हो गए थे फ़ोन करते हुए। अच्छा, उसको फिर मैंने ये भी कह दिया था, देखो मैं आपको नहीं जानता ना, मैं मतलब इस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ कुछ भी। भाई भाई ने बताया है कि यो फ़ोन नहीं कराया करता और 10 दिन से वह खुद इसके पास फ़ोन कराया करते, यही बात है सच? हाँ जी सर, यही बात है। तो कुलदीप न्यू बता भाई, जब कोई मर्द अननोन नंबर आवे है, हाँ जी, एक बार आ जा, दो बार आ जा, तीन बार आ जा, हाँ ये तो यानी कि 4-5 बार आ जा, तंग हो जावा उस टाइम। मैंने घर को भी बता दिया था, माँ पापा ऐसे ऐसे फ़ोन आने लग रही मेरे पास, ने बोलिया भाई फिर धमकाए थे माँ पापा, लुगाई बोला है कि उस लुगाई ने। तो कुलदीप जब तेरे पास 4-5 दिन से फ़ोन आने लग रहे थे स्टार्टिंग में, हाँ, तो परेशान हो गया था, तो फिर अब नंबर ब्लॉक वगैरह भी कर दिया करा? नहीं नहीं सर, जैसे मतलब वो 3-4 नंबर पर फ़ोन आया करते उसके। अच्छा, अलग अलग नंबरों से कराया करता भाई? भाई के पास एक नंबर नहीं, 3-4 नंबर पता है, लेकिन उस वीडियो में उन्होंने बोल रखा है कि कुलदीप हमारे पास फ़ोन कराया करता अलग अलग नंबर से, और उनका कहना यूँ भी है कि हमने फ़ोन बदल भी लिया था, बदलने के बावजूद भी कुलदीप ने फ़ोन करे उसके पास। सर ऐसा है, मेरे फ़ोन की मतलब लास्ट तक की वह ये कॉल डिटेल निकल जाती है, वो निकलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। मैंने तो ज़रूरत नहीं है, निकलवाई होगी? हाँ निकलवाई थी, पुलिस वाले ने निकलवाई थी सर। है उसकी कोई कॉपी वगैरह आपके पास? नहीं सर, कॉपी तो नहीं है, पुलिस वाले के पास है। तो उसमें देखा था हमने, मतलब व्हाट्सअप कॉल कटवाई थी उसने, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोन आए हुए थे। अच्छा,
चलो ठीक है, यह बात यहाँ से क्लियर हो गई भाई। इब अनुमान आपने लगाना है कि इस बात में भाई झूठ बोल रहे हैं कि वह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और, भाई उम्र की इतनी आपकी? आपने 27 साल है जी। भाई की उम्र 27 साल है, जबकि सचिन की माँ की उम्र 45 साल है। और आप सोच सको हो जो मैं आपने कहना चाहूँ, बोल कर नहीं बता सकता मैं। तो कुलदीप न्यू बता, उनने एक आरोप यूँ भी लगाया है कि आप उनके घर पे गए हो? नहीं नहीं सर, मैं पहले तो कभी भी नहीं गया सर। आपने सचिन की माँ है जो, मैं उसका कितने पीछा कराया है? नहीं नहीं सर, मैं जानता नहीं था, मैं कहाँ से पीछा करूँगा सर। लेकिन उनने तो यूँ कहा है कि भाई उनने मैं पीछा कराया है, वो मैम मैं परेशान कराया है बहुत सारा। नहीं नहीं सर, जब मैं जानता ही नहीं उसको तो मैं पीछा कैसे करूँ? मतलब कहने का यूँ है पहली बार कदे उसको देखा नहीं था अपने जिंदगी में? कुछ भी नहीं, मतलब मैं जानता ही नहीं था, मतलब ना मैंने देखा था या कित की है कित की नहीं। अच्छा, जो यूँ आनंद है, हाँ जी, आनंद बड़म्बा से, हाँ जी, उसके साथ आपका क्या रिलेशन है? वो है जैसे मतलब जिस पर मैं धरती धरती पर आ रहा हूँ उसकी बुआ का छोरा जी। वो धरती धरती वो आगनो जैसे वो आया कर, ठीक है भाई, धरती बुआ है भाई, और उसकी बुआ का लड़का है आनंद, तो मतलब उसके साथ तेरा उठ बैठ है? हाँ जी, उसके साथ तो है, मतलब मेरा मतलब इस जो मैटर हुआ था ना, इसके बाद में उठ बैठ हुई है। अच्छा, उसके साथ जो मैटर होने के बाद? हाँ, मैं उसको पहले नहीं जानता, वो जानता तो था मेरे पिताजी को जानता था, फिर मेरे से तो कभी सेठ फेट नहीं हुई थी सर। ठीक है, तो भाई जो आनंद है ना, आनंद इनके पिताजी हैं, जो उसके साथ इसकी बोल बतला थी, लेकिन कुलदीप के साथ नहीं थी, ऐसा इस भाई ने बताया है। इब कुलदीप न्यू बता, तने उसको देखा नहीं कदे, तने फ़ोन नहीं कराया, तो उनके घर में जब तू गया है, हाँ जी, वो क्यों कर चला गया? वो सर, वो हाथ पकड़ के लेके गई ना, वो नू बोली मेरे कोशिश सर उतारा। कौन बोली? पूनम जी, पूनम थी जो, पूनम सचिन की माँ, हाँ, बड़म्बे से पूनम थी, वो लेके गई थी सर मेरे को, बोले बड़म्बे वो आशीष सर उतारा मेरे को, मैं पैसे वैसे नहीं ले रही और मेरा जाना जरूरी है। अच्छा। मैं जानता ही नहीं आपको कैसे उतार के आऊँ, बोले नहीं उतार के तो आना पड़ेगा, वो हंग मतलब मोटरसाइकिल पर बैठी सर मेरे, और ओढ़ा शीशर लेगी जी, मनोज ना तो मनोज घर का बेरा था जी। अच्छा, जाकर छोड़ दी मैंने ओढ़ा, मतलब ताला तूड़ा लग गया था, उन्होंने ईट नीचा तो ताली तूड़ी काटी और कुआड़ खोले, नू बोली आ जाओ चाय तो पी के जानी पड़ेगी, मैं चाय पीने से मना कर दिया, फिर उसने हाथ पकड़ के वह भीतर ले गई जी मैंने। मेरे को 2 मिनट हुई थी बैठे, इतनी आड़ में उन कई जने आ गए जी, थपड़म थपड़ा हो गए। कई जने मतलब कितने जने? 4-5 जने थे जी, उन मर मारे जी। जानते हो आप उन? नहीं नहीं सर, किसी को नहीं जानता मैं भाई। 4-5 जने थे, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? कहानी स्टार्ट हुई फ़ोन मिलाने से। फ़ोन मिलाने के बाद कुलदीप उनने मैम मिला है, सोचियो इस बात ने, सोचने की बात है या कुलदीप यूँ बता भाई, फ़ोन तो उनने तेरे पास मिला लिए, फ़ोन चलो नंबर ही दूर दूर तक मिल गया, तो डायरेक्ट उसने तेरा हाथ पकड़ के या कुछ भी करके तेरे से मदद क्यों मांगी? पता नहीं सर, इस बात का तो मेरे को पता नहीं। देखो वह हंगा लेगी सर, मन ने तो कोई दिक्कत नहीं। बात सही है, वह हंगा लेगी, मैंने मान ली और देखना भी मान ली, लेकिन सवाल यूँ है कि उसने किसी और को क्यों नहीं पकड़ा, मतलब डायरेक्ट तेरे को क्यों पकड़ा? तेरे पास वो फोन करने लग रही है। ये तो पता नहीं सर, मेरे को क्यों लेके गई क्यों नहीं, मतलब उसी दिन मैम तेरा जाना क्यों होया? नहीं नहीं सर, मैं तो मतलब वहाँ गया था, बीज बैज लेने गया था सर। यू एक इत्तफाक था, हाँ, घर का सामान, यू मतलब तेरे पास फोन करना, तू मैम मिलना और तारी सेठ फेट होनी और तेरे को ही यूँ बोलना कि भाई शीशर मैंने छोड़ दिया, यूँ इत्तफाक था? इत्तफाक क्या होगा सर, मैं दिव के कह सकूँ मैं भाई, मैं उसको जानता नहीं। देखो भाई ने बताया कि यूँ एक इत्तफाक था, लेकिन थोड़ा सा संदेह आपके भी दिमाग में आया और मेरे भी आया है कि सारी चीज़ तीनों एक साथ मेल नहीं खा सकती, या तो उन्होंने पहले से भाई के ऊपर पैरवी लगा रखी थी, भाई के ऊपर साजिश रच रखी थी, कोई निगरानी थी कि कित जावे कित आवे, या तो यह बात हो सके है, या फिर दाल में कुछ काला हो सके है। कुलदीप भाई नू बता, जब ठीक है उन इत्तफाक था ये सारी बात का, तो उनके घर पर उसने छोड़ने भी चला गया, उसकी मदद करने खातर चला गया, उसके बाद उनके घर पर गया तू, हाँ जी, लेकिन उनका तो कहना यूँ है कि कुलदीप मारे से पहले घर में घुस रहा था। नहीं सर, मैं पहले कैसे जाऊँगा, मतलब मेरे को पता ही नहीं उनके घर का। उनके घर में और कौन था उस टाइम पे? शी सर, मैं वहाँ पे तो कोई नहीं था सर, एक वह पूनम थी, वह मन ले की थी, और तो कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा, जिस टाइम पे तू गया ताला बंद था? हाँ जी। और ताला बंद
ताला खोलिया पूनम ने जी, सचिन की मान है जो मतलब वहाँ कुआड़ा का दौरा ईट धरी थी ओढ़ा तो चा बिठाई उसने जब ताला खोलिया जब नवा भीतर ले गई। अच्छा तो भाई देखो एक बात और भी सुन दियो सर, मतलब जब मैं भीतर बैठा इतनी आने चार पांच जने आ गए या तो साजिश हो सके सर फसाने की, उनने चांदे पटापट कर दिए, मन जब देखा उनका घर कोई नहीं था तो वे कहाँ से आ गए सर चार पांच जने। देखो भाई मैंने पिछली वीडियो में आपकी बताया था जो मैंने सचिन की और शर्मिला की जो बनाई थी उस वीडियो में मैंने एक जिक्र कर रखा है कि जिस बंदे जिस घर में हम कभी गए नहीं जिसको हम जानते नहीं वहाँ पे बिना पूछे हम पानी नहीं पी सकते तो वो घर में कैसे घुस गया, उनने जवाब के दिया था आपने देख लिया होगा और इस भाई ने जवाब के दिया वो भी आपने देख लिया होगा, सच कहाँ है झूठ कहाँ है वो भी आपने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो कुलदीप ठीक है सारी बातें इतने बोली हैं वह हो सके सच हूँ, इब न्यू बता जब तेरा उनके साथ कोई रोड़ा झगड़ा नहीं होया तो उनके घर पे भी नहीं गया तने फोन भी नहीं करया नहीं, तो आपके पिताजी ने एक मतलब समझौते के लिए एक एप्लीकेशन क्यों लिख के दे तो सर उन्होंने दबाव दिया ना जब मेरे मरण लग रहे थे उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे मेरे पे, तेरे से उन्होंने 15 लाख रुपए मांगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देख लिया होगा सारी बात कुलदीप की सुन ली होंगी और उनकी भी आपने सुन रखी है, इसमें तक किसकी बात सच्ची है किसकी झूठी है वो हिसाब आप लगा लियो। और भाई के पास कुछ सबूत हैं जो यो आपने दिखाओगेगा और सुनाओगेगा वो आपने मिलेंगे अगले पार्ट में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है सेकंड पार्ट का, वहाँ पे जाकर आप सबूत देखो जो भाई के पास हैं और उसके बाद आप अनुमान लगा लेना अच्छे से समझ भी लेना कि किस में किसकी गलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।